नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नान विधि के बारे में। स्नान विधि, जैसे तो हम सभी स्नान करते हैं, लेकिन इसके पीछे का शास्त्र क्या है, इसके लिए स्नान के लिए कौन से नियम हमें फॉलो करने चाहिए, इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे स्नान का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, जब से मनुष्य जीवन है, या ये कहेंगे जब से मनुष्य ने समझा है कि खुद की साफ सफाई रखना ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, तब से शायद उसने स्नान करने का प्रारंभ किया है। और तभी से हम हमारे जो नियमित जीवन शैली है उसमें इस स्नान का अंतर्भाव कर रहे हैं। हमारे पुराणों में और शास्त्रों में हम किस चीज़ के निमित्त से स्नान करते हैं, किस चीज़ से स्नान करते हैं, इसके अनुसार अलग अलग प्रकारों का वर्णन आया हुआ है। अलग अलग प्रकार, जैसे वरुण स्नान, जो जल से स्नान किया जाता है, उसका वर्णन आया है वरुण स्नान करके। एक विधि बताई गई है अग्नेय स्नान, जो स्नान किसी भी राख से, किसी रक्षा से या विभूति से किया जाता है, उसे अग्नेय स्नान कहा जाता है। एक स्नान होता है जिसमें वर्णन किया है कि मंत्र स्नान, मंत्र से सिद्ध जल से जब स्नान किया जाता है या स्नान करवाया जाता है, उसे मंत्र स्नान कहा जाता है। फिर एक स्नान का वर्णन है वायवीय स्नान। वायवीय स्नान मतलब वायु या हवा, गाय की जो पूंछ होती है उससे हवा लेकर स्नान करने की विधि भी हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। और प्रोक्षण स्नान करके एक विधि बताई गई है। प्रोक्षण स्नान मतलब सिर्फ पानी छिड़कना, पानी छिड़क कर जो स्नान की विधि बताई गई है उसे प्रोक्षण स्नान कहा गया है। फिर दिव्य स्नान की एक विधि बताई है। दिव्य स्नान मतलब जो दिव्य जल से स्नान किया जाता है, दिव्य जल या दिव्य जल का वर्णन तो आयुर्वेद शास्त्र में भी आया है। वो जल जो बरसात का जो जल है, बरसात का जो पानी है, जो जमीन को नहीं छुआ है और सूर्य प्रकाश में जो पानी है उसे दिव्य जल कहा जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस दिव्य जल से स्नान करते थे। तो बरसात में जो स्नान किया जाता है जब धूप भी खिली हो, उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। फिर गौण स्नान। गौण स्नान मतलब ऐसा स्नान जिसमें बिना सिर भिगाए स्नान जो किया गया है उसे गौण स्नान कहा गया है। और एक स्नान का वर्णन है कपिल स्नान करके, जो तौलिया या जो स्पंज बाथ हम कहते हैं कि कपड़ा तौलिया पानी में भिगाकर उसे शरीर को पोंछ लेना, ऐसे कपिल स्नान का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। फिर नित्य स्नान, जो हमारी नियमित जीवन शैली में जो स्नान किया जाता है उसे नित्य स्नान कहा गया है। नैमित्तिक स्नान का वर्णन भी हमारे शास्त्रों में है कि खास किसी निमित्त से, विशेषतः चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इन पर जो स्नान किया जाता है उसे नैमित्तिक स्नान कहा गया है। फिर काम्य स्नान का वर्णन है, कोई विशेष पूजा के वक्त जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहा गया है। और क्रियांग स्नान। क्रियांग स्नान मतलब के जैसे पिंडदान है, पितृपक्ष में जो स्नान किया जाता है उसे क्रियांग स्नान कहा गया है। फिर एक वर्णन है मलहर्ष स्नान का, तेल या आयुर्वेदिक काढ़ा इससे जो स्नान किया जाता है उसे मलहर्ष स्नान किया कहा गया है। क्रिया स्नान का वर्णन है, जो पवित्र नदी में जो स्नान करते हैं उसे क्रिया स्नान कहा गया है। श्रेष्ठ गंगा स्नान, जो नदी या तालाब किसी मंदिर के पास है या किसी पवित्र धर्मस्थल पे है उसमें जो स्नान किया गया है जाता है उसे श्रेष्ठ गंगा स्नान कहा गया है। तो ऐसे काफी प्रकार के स्नानों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। तो ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आए हुए स्नान के प्रकार है। हमारी भारतीय संस्कृति के अलावा अलग अलग देशों में भी अलग अलग विधि से स्नान किया जाता है, जैसे टब बाथ है, सोना बाथ है, मड बाथ है। तो इन सभी बाथ के जो प्रकार है तो इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, ये बताया है आयुर्वेद संहिताओं ने। जी हाँ, आयुर्वेद संहिताओं में भी काफ़ी अच्छे से वर्णन आया है स्नान विधि के बारे में, उसके क्या उपयोग होते हैं और वो किस विधि से होना ज़रूरी है।
जब स्नान की बात आती है तो लोगों में काफी संभ्रम रहता है कि हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए या सिर को भिगोना नहीं चाहिए। तो इसी बातों पर प्रकाश डाला है आयुर्वेद संहिताओं ने। तो जान लेते हैं कि आयुर्वेद संहिता में क्या बताया है स्नान के बारे में, हमें कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए स्नान के लिए, सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए या सिर को भिगोए बिना अधस्नान जो कहते हैं वो करना चाहिए। आयुर्वेद संहिता में एक संहिता है वाग्भट संहिता, या जिसे अष्टांग हृदय भी कहते हैं। महर्षि वाग्भट ने इस संहिता के जो सूत्र स्थान है उसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हमारी स्नान की विधि कैसी हो इसका बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेद संहिताओं में से अष्टांग हृदय में आया है। महर्षि वाग्भट ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है और उन्होंने इस ग्रंथ के सूत्र स्थान में लिखा है कि उष्णाम्बुना अधकायस्य परिशेको बलावहा तेनैव चोत्तमांगस्य बलरुत केश चक्षुषाम। इसका मतलब है कि उष्णाम्बुना अधकायस्य, उष्ण अम्बु यानी गर्म पानी, उष्णाम्बुना अधकायस्य, अधकाया मतलब जो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है या गर्दन से नीचे वाला जो शरीर है उस पर अगर हम उष्णाम्बु यानी गर्म पानी से स्नान करते हैं तो परिशेको बलावाह, परिशेक यानी पानी गिराना या स्नान करना, बलावाह यानी वो बल देता है। इसका साफ यही मतलब है कि जब आप अधक काय पे गर्म पानी से स्नान करते हैं तो वो शरीर को बल देता है। आगे महर्षि ने लिखा है बलरुत केश चक्षुषाम, तो यही गर्म पानी जो आप सिर से लेते हैं वो केश और चक्षु यानी आपके बाल और आपकी आंखों के लिए हितकारक नहीं होता है या उन्हें हानि पहुंचाता है। तो इसका यही मतलब है कि जब आप गर्म पानी से अधः काया में या अधः शरीर में स्नान करते हैं तो आपके शरीर के लिए बल देता है, लेकिन वही स्नान जब आप सिर के ऊपर से गर्म पानी से जब आप सिर के ऊपर से स्नान करते हैं तो वो आपके बाल और आपकी आंखों के लिए हितकारक नहीं होता है। तो इसे कैसे प्रैक्टिकली समझेंगे? तो इसे ऐसे ही समझना है कि जब आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उसे अधकाया पे ले, लेकिन जब आपको सिर के ऊपर से स्नान करना है, वैसे तो नियमित रूप से सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, लेकिन जब आप सिर के ऊपर से स्नान करेंगे तो वो पानी ज्यादा गर्म ना हो, या समझेंगे कुनकुना पानी हो या बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, क्योंकि गर्म और ठंडा एक साथ लेना भी विषम है। तो जब आप सिर के ऊपर से स्नान करते हैं तो उसके लिए हल्का गर्म पानी हो तो वो अच्छा है, और सिर अध काया पे जो पानी लेंगे तो वो गर्म पानी रहना शरीर को बल देता है। दिमाग को तो हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए ना, जैसे हम धूप में जब जाते हैं तो हम कैप पहनते हैं, या जो महिलाएं सिर पर पल्लू लेती है, या शिरस्त्राण पहना, कैप पहना, मुकुट पहनना, ये तो हमारी संस्कृति और परंपरा है। तो ये धूप से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, या शरीर को और हमारे सिर को गर्मी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए गर्म पानी सिर के ऊपर से नहीं लेना चाहिए। दिमाग ठंडा रखो जो बोलते हैं हम, वो भी इसी के लिए है कि जब हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क या हमारा ब्रेन ठंडा रहता है तभी वो अच्छे से कार्य करता है, और जब इसे आप गर्म करते हैं तो वो उसके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये थी आज की हमारी आयुर्वेद ग्रंथ वाली बात। इस चैनल पर हम लेके आते हैं वो बातें जो लिखी है आयुर्वेद ग्रंथों में और जिसका संबंध आपके स्वास्थ्य से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक जिनका आपको ख्याल है, क्योंकि इसी तरह से आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेंगे। तो अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।